तो क्या गाइस, अब हमें रोमन रिंग वैसे सोलो स्क्वाड देखने को मिलेगा WWE के अंदर, और जो 2024 का रॉयल रंबल होने वाला है उसके विनर्स पता चल चुके हैं। उससे पहले मैं शाउट आउट दे देता हूँ, शाउट आउट जाता है अंकुश प्रधान भाई को और क्रिकेट फैक्ट 18 को, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए, अगर आप भी चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लूं, तो आप अपना नेम मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको शाउट आउट दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि क्या रोमन रिंग्स और सोलो स्क्वाड का मैच हो सकता है WWE के अंदर, इसके कितने चांसेस है और ये कंफर्म होगा अभी कि नहीं। अब अगर रोमन रिंग्स के अपोनेंट्स की बात की गई है तो उनके मेनली दो अपोनेंट्स है, एक है जिमी उसो और एक है जे उसो। अब अगर CM Punk भी WWE को साइन कर लेते हैं, अगर वो WWE के अंदर आ जाते हैं, तो उनका मैच रोमन रेंज के साथ होगा, ये मैं आपको पक्का कंफर्म बता रहा हूँ। और अगर CM Punk भी नहीं आते हैं और WWE को कोई मैच कराना है रोमन रेंज के साथ, तो ये ऑफकोर्स सोलो सिकोवा हो सकते हैं। रोमन रेंज WrestleMania 40 में तो अपने टाइटल्स को रिटेन करने वाले हैं, हमें पता है, तो वो सोलो सिकोवा हो सकते हैं जो रोमन रेंज को बिट्रे कर सके। अभी आप देखोगे तो सोलो सिकोवा की रीच बहुत कम हो चुकी है, पहले जितनी नहीं रही है, क्योंकि अब WWE ब्लड लाइन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, क्योंकि अब रोमन एबसेंट है, इसलिए जय उसो जिमी उसो पर भी ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। मैच अभी तक किसी मेन इवेंट के लिए कंफर्म नहीं हुआ, जैसे रेसलमेनिया हो गया, समर स्लैम हो गया, पर ये बताया जा रहा है कि ये मैच होगा जरूर। सोलो सिकोवा क्लैश एट द कासल में आए थे, जिनको भी एक साल पूरा होने वाला है। सोलो सिकोवा भी रोमन रेंज का केयर नहीं सहन करने वाले हैं, वो भी रोमन रेंज को बिट्रे करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक टाइम पे पूरी ब्लड लाइन हमें टूटते हुए दिखाई देगी, तो वैसे ही कुछ होने वाला है, सोलो सिकोवा भी रोमन रेंज को छोड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं रॉयल रंबल 2024 की, जिसमें अभी 3-4 महीने बाकी है और इसके विनर्स का नाम पता चल चुका है, जिनको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या CM Punk रॉयल रंबल को जीतने वाला है 2024 के? क्योंकि अभी बताया ऐसे ही जा रहा है कि CM Punk WWE में रिटर्न करने वाले हैं और वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या CM Punk रॉयल रंबल जीत सकते हैं। देखो, आप ये भूल ही जाओगे CM Punk रॉयल रंबल जीतेंगे, इसके कोई भी चांसेस नहीं है। अभी रॉयल रंबल को 3-4 महीने बाकी है, अगर CM Punk ने इन 3-4 महीनों के अंदर अपना रिटर्न कर लिया, तो उनको रॉयल रंबल के अंदर मैच भी मिल सकता है। अब देखो, WWE कुछ ऐसे रेसलर्स के नाम बताए जो कि रॉयल रंबल जीत सकते हैं, तो मेनली 4 रेसलर्स का यहाँ पे नाम लिया गया है। पहले नाम लिया गया है कोडी रोड्स का, फिर उनके बाद गुंथर है, फिर उनके बाद एलन है। इन 4 रेसलर्स का नाम लिया गया है जो कि बहुत फेवर में है कि ये रॉयल रंबल जीत सकते हैं। कोडी रोड्स को तो आप लिस्ट में से निकाल दो, क्योंकि वो रॉयल रंबल 2023 का जीत चुके हैं, और गुंथर भी नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक टाइटल है। 2 रेसलर बचे हैं जो कि है सोलो सिकोवा और एलन नाइट। सोलो सिकोवा के भी चांस है कि वो रॉयल रंबल जीत सकते हैं, लेकिन एलन नाइट का बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि ये रॉयल रंबल जीत सकते हैं। एलन नाइट सबसे टॉप में है, वो रॉयल रंबल जीतने वाला है 2024 का, ऐसा कंफर्म बताया जा रहा है, क्योंकि एलन नाइट को WWE की तरफ से पुश मिलने वाला है, तो शायद यही पुश होगा WWE का कि WWE इनको रॉयल रंबल जिता दे। एलन नाइट को रॉयल रंबल जीतना चाहिए, आप इस बात से सहमत हो या नहीं? भाई बस वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको शाउट आउट चाहिए तो आप अपना नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में।